दोस्तों ये है बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का प्रमुख और ऐतिहासिक जिला है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की ओर सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इस जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस बस्ती शहर में मौजूद है और बस्ती एक शहर होने के साथ साथ बस्ती मंडल का हेडक्वार्टर भी है तथा इस मंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर जिला। यदि हम इस जिले के इतिहास पर नजर डालें तो बस्ती प्राचीन काल में हिमालय के मैदानी भाग में एक छोटा मगर बड़ा ही खूबसूरत गाँव था, जो चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था और यहीं पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम हुआ करता था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहां पर कुछ समय व्यतीत किए थे तथा वर्तमान समय में बस्ती उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की तरह काफी तेज गति से प्रगति कर रहा है। यहाँ पर बेहतरीन सड़कें और रेलमार्ग का विस्तार हो रहा है। यदि सड़क पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियां वन नंबर प्लेट की दिख जाए तो समझ जाइए आप उत्तर प्रदेश के महान धरती यानी कि बस्ती में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 2688 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बस्ती जिला की कुल आबादी आज 24,64,000 लोगों की है, जिसमें यदि हम धार्मिक आधार पर देखें तो इस जिले की कुल आबादी 84.52% हिंदू और 14.79% मुस्लिम मजहब को मानने वाले लोग निवास करते हैं। बस्ती को सुंदर लड़कियों वाला जिला भी माना जाता है, जहां आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर लड़कियां पाई जाती हैं। आवागमन की दृष्टिकोण से बस्ती जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें सड़क मार्ग की तो इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 गुजरती है, जो बस्ती को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लगभग 300 से ज्यादा बसें इस जिला में चलती हैं। यहां से गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे बड़े शहरों तक बस के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अगर वही बात करें रेलवे मार्ग की तो बस्ती रेलवे स्टेशन यहां का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म तथा 7 रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, रावती सागर एक्सप्रेस जैसे तमाम रेलगाड़ियां गुजरती हैं। दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिला बस्ती की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि आधारित छोटे स्तर के उद्योगों पर आधारित है, जैसे चीनी मिल तथा कुटीर उद्योग तथा यहाँ के मुख्य फसलों में गेहूँ, गन्ना, मक्का आदि है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभाले बैठा है। इसके अलावा कोई बड़ा उद्योग ना होने के कारण यहाँ के ज्यादातर निवासी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पलायन करने पर मजबूर हैं। बस्ती जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस जिले में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं, जैसे भदेश्वर नाथ मंदिर। ये मंदिर जिला मुख्यालय से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुयाना नदी के तट पर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है तथा ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं रावण ने की थी। हर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। नंबर 2 पर है चंगेरवा पार्क बस्ती। शहर का मुख्य पार्क चंगेरवा पार्क, जिसे राजकीय उद्यान भी कहा जाता है, ये बस्ती जिले का सबसे बड़ा उद्यान है, जो कुयाना नदी के किनारे बसा हुआ है। नंबर 3, चंदौताल। बस्ती जिले में स्थित चंदौताल आसपास के जिलों की भी एक खूबसूरत जगह है। चंदौताल बस्ती शहर के तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये ताल प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक स्वर्ग समान स्थान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की ढेरों और उत्तर प्रदेश की शहरों से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।